तभी भगवान ने मुझे इतना अच्छा इतना केयर करने वाला पति मुझे दिया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी 10 बज रहे हैं, मैं 10 बजे वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी होटल से रात लेट आया था तो उसने मुझे उठाया नहीं था और रात इसके पलस्तर हो गया है तो जरा काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसमें दर्द भी हो रहा है ऊपर हड्डी में, यहाँ पे ना इस पे चला जा रहा ना कुछ यार, और नीचे दर्द तो हो रहा बच्चा वहाँ पे अभी भी है, नीचे ही रास्ता भी हार्ड है। चल मैं तो को नवा दूँ, मैं फिर फिर धुलाऊँगा। चल बांधी पे बांध देंगे आप ऊपर, बांधी ऊपर बांध नीचे नहीं, हम पानी नहीं डाल बिल्कुल, पानी बिल्कुल चला हुआ चला, फिर पहले सिर धुलवाऊँ फिर नवाऊँगा। है ब्रांडिया के पैरन में दिक्कत आ रही, कपड़ा पड़ा पैर भी में, तो मैं अभी हाथ निकल लेके आया हूँ 100 रुपया को, अब जो आपको पसंद ही ना आ रहा हूँ। चलो उठ नवाऊ तो बेलदारी कर जाना, चलो उठ। फ्रेंड नूतन के लिए मैं आप निकल लेके आया हूँ, जाके के पैर में पहनने में आसानी हो जाकू, पैंट वगैरह या फिर पजामी वगैरह पहन रही तो दिक्कत हो गई जाकू, या के मारे में हाफ निकल लेके आया हूँ अभी बच्चा। हाँ चल बाबू, मेरा बाबू गुस्सा हो जाता है जल्दी जल्दी पता नहीं क्यों। ले देखिए कितनी ब्रांडेड है, देख ले लाड़ू। तो फ्रेंड अभी मैं भी नहा लिया हूँ, नूतन को भी नहा दिया था मैंने, अभी मैं जा रहा हूँ होटल पर काम करने के लिए। बच्चे ये ले तेरी दवा,
और पानी लिए, पहले दवा पकड़े। तुझे कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझको कॉल कर ली बेटा, कोई दिक्कत परेशानी हो मुझको कॉल कर दियो, ठीक है मैं आ जाऊंगा। ठीक है अभी अपन जा रहे हैं, ठीक है बाय बाय बेटे बाय। क्या है वो बता सही, तू मेरे पास रहना मम्मा। बेटा काम करना हूँ, काम करना जरूरी है ना, काम करूंगा फिर पैसे आएंगे, फिर इस फोन की किस्त जमा कर दूंगा उन पैसे से मैं, समझे कर हैं। ठीक है जा रहा हूँ मैं, बाय बाय। मम्मा जा रही हूँ काम पे, ठीक है अपना ख्याल रखना, मम्मा की पारी करो चलो। मैं निकल रहा, मम्मा सुबह को बर्गर खिलाएगी, शाम को पारी करो चलो। मेरी डॉक्टर ने मना करी है बर्गर की। हाँ तो चल चीज खिलाऊंगा, चल पारी कर, पानी के बता से खिलाऊंगा, पारी कर। कितनी अच्छी है मम्मा, अगर तू ना होती ना तो पता नहीं मेरा कहाँ होता मम्मा। तेरा कुछ नहीं होता, तेरे पहली नहीं करता। मेरी रियल मम्मा मुझे प्यार नहीं करती। ऐसे नहीं कहते, उन्हीं के घर में तेरा भगा देंगे वो हमें। चल ठीक है, काम की वजह से लग रही है। तो सौरभ अभी गए काम करने के लिए होटल पे, काम फ्री में नहीं करवाती मम्मी, पैसे दे देती है। जैसे सब लोग और भी काम कर रहे जैसे सबको पैसे मिलते, वैसे सौरभ को भी मिल जाते हैं, उससे ना थोड़ी किस्त विस्त जमा हो जाती है, जो हमारी किस्त चल रही है। आप लोग तो अपनी आंखों से देख ही रहे होंगे, एक दुख खत्म होता है और दूसरा पैदा हो जाता है। क्या हो रहा है अपने साथ कुछ समझ में नहीं आता। कुछ लोग कमेंट किए थे मम्मी के ऊपर कि कैसी माँ है, तो मेरी मम्मी ऐसी है शुरू से। मैंने एक दो बार अपनी मम्मी के बारे में बताया भी है, तो वहाँ पे लोगों ने मुझे गलत बताया कि अपनी माँ के बारे में ऐसा बोल रही है। सच्चाई ये है कि मैं कभी किसी के बारे में जानबूझ के गलत नहीं बोलती। मेरी ऐसी ही अपनी लाइफ फ्रेंड, शायद मुझे ना किसी का प्यार नहीं मिला घर में, तभी भगवान ने मुझे इतना अच्छा इतना केयर करने वाला पति मुझे दिया है। अपने भगवान की मैंने भक्ति करी थी, शंकर की पूजा करी थी, शायद उसी की पूजा के कारण मुझे इतने अच्छे सौरभ के रूप में इतना अच्छा पति मिला। मैं बहुत खुश हूँ, शुरू से मुझे ना कोई प्यार व्यार नहीं मिला, ना कोई कुछ इज्जत मिली। गाइस मैं चीज़ें झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मेरे साथ ना अभी तो थोड़ा सही है, फिर भी बचपन से मेरे साथ ना मैं बोलने का मन नहीं है, फिर भी मैं बोल रही हूँ। इतना बुरा वर्ताव होता था मेरे साथ, अब मैं सारी चीज़ों को दोहराना नहीं चाहती, चलो छोड़ो, क्योंकि वीडियो मम्मी भी देखती है, पर मैं जो भी बोलती हूँ गलत नहीं बोल रही, सही बता रही हूँ। सौरभ गए हुए हैं काम करने होटल पे, घर पे कोई नहीं है, पापा हैं, पापा सो रखे हैं, पापा बात बूत नहीं करते, तो मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी, मैं खुद ही चली आती हूँ, अपने लिए कुछ बना लेती हूँ फ्रेंड, कुछ खा पी लेती हूँ। अभी आप ये मत बोलना वीडियो कौन बना रहा है, कैमरे पे स्टैंड पे कैमरा खड़ा कर देते हैं और वीडियो बनता रहता है। मुझे इस कमरे से और दूसरे कमरे तक अकेले ही जाना पड़ेगा। डंडा लाके दे दो मुझे, डंडा लाके दे दो, डंडा लेने जाना। चेरी मेरा बहरा हो गया, मैंने उसे बोला डंडा लाके दे दे बेटा, और वो चला गया अंदर सोने के लिए। फ्रेंड मैं अभी घर पे आया था होटल से नूतन के लिए दवा खिलाने के लिए, पर ये तो मुझसे पहले दवा मैगी सब बना खा पी के बैठी है। अम्मा मैं तुम्हारा इंतजार करता दवा के लिए। मैंने तो तक आगे मैंने क्या के लिए, कहीं मत जाइयो उधर उधर, वॉशरूम जाना हो यार, कैसे रुक जाते हो, कॉल ना कर सकती तुम, कॉल करी थे एक बार, इतनी देर में कॉल करते तुम आते ना उतनी देर में, तो यार अजीब है। फ्रेंड एक दो दिन की बात और है, फिर यहाँ से उत्तराखंड चले जाएंगे, ऐसे भी करके यार ट्रेन में लेके जाऊंगा इसको, रिजर्वेशन करवाऊंगा ओके इसका एक सीट का, जैसे उसमें करके और मैं जनरल में चला जाऊंगा। ठीक है थोड़े जब मेरी रिजर्वेशन करवाओगे तो थोड़ा सा और से अपना भी करवा लियो, मामा को पूछा हो अकेले अकेले का एक सीट पे आराम से सुइयो पैर फैला के ना, तो पता धक्का मुक्की तो होती है। अरे सीट पे धक्का मुक्की होता है, सारे में पलस्तरी मारियो चांद में कोई सीट पे आवे तो। हाँ यार रिजर्वेशन भी करवाएंगे फिर भी सीट पे कोई आवे हो, चला पलंग चल आ जा।
अभी बारिश वाली यार लाइट चलेगी, पूरे में अंधेरा अंधेरा हो गया यार। चला बाहर आ जा, ऐसी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे यार, इतनी गर्मी है ना ये भाई, पसीने आ जाते हैं यार। वो पानी पीते पीते पेट भर जाता है, पर प्यास खत्म ना होती है, हालत खराब हो रही है, डेंजर वाली। फ्रेंड अभी मैं दोबारा जा रहा हूँ होटल पे, अब तो रात को ही आऊंगा भाई, 1-1.5-2 बजे करीब। ठीक है बच्चे, अपना ध्यान रखियो, और उस कमरे में जाना है, उसमें से फिर बाद नहीं निकलना है, ठीक है? ओके, और उस खाना पीना हो मुझे फोन करके बता दियो। है तुम तो मेरा कॉल भी नहीं उठाती मम्मा। बच्चा है, काम कर रहा हूँ, तू यार मुंह फुला लेते ना एक देर में। मैं काम कर रहा हूँ, मैं कोई बैठो तो ना बता। तो फिर आप क्यों बोल रही है कॉल करने की? मैं इसलिए कॉल नहीं करता आपके पास। तू कल ले करो ना, ढाबा करूंगा तो फिर जगह कल ले करूंगा मैं, ठीक है? तो फ्रेंड ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। अब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, और तू भी अपना ख्याल रखियो, ठीक है? बाय।